हेलो गाइस, वेलकम टू आरके क्रिएशंस। आज का हमारा वीडियो ये साइड मिरर जजमेंट के ऊपर होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं हमारे गाड़ी का साइड मिरर। ये वीडियो में साइड मिरर को कैसा जज करना वो आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि हाईवेज में साइड मिरर का बहुत बड़ा की रोल रहता। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ हाईवे पे आ गए। तो ये साइड मिरर जब आप लोग हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना साइड मिरर को। जब आप लोग हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो ये जब ये ड्राइवर के पोजीशन से मिरर देखते आप लोग तो इसमें मिरर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। जो लेफ्ट साइड के पार्ट में से जो दिखता आपको वो आपका सेफ साइड है, और जो राइट साइड के हाफ हिस्से में जो दिखता वो जो रेड जोन है। आप देख सकते हैं यहाँ मिरर पे एक गाड़ी आ रही स्कूटी जो रेड जोन में आ गई, तो समझो आपके बाजू से निकल जाती हो। आप देख सकते हैं आपको गाड़ी चले गई। जो सेफ साइड है तो वो बहुत डिस्टेंस में, आप ओमनी को देख सकते हैं रेड में आ गई और गाड़ी सामने निकल गई। और जो लेफ्ट साइड में रहते जो लेफ्ट साइड के हिस्से में है तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी बहुत दूर डिस्टेंस में आ रही। जो राइट साइड में आ गई तो गाड़ी एकदम नज़दीक आ गई बोल के समझ जाना आप लोग। जब आप लोग यू टर्न ले रहे तो साइड मिरर में देख रहे तो लाइन क्रॉस कर रहे, जब हाईवे में तो ये कॉर्नर से वो कॉर्नर को लाइन्स चेंज करते रहते, तो ऐसे टाइम पे बहुत यूज़ होता हो। आप लोग यहाँ आपको बेस्ट एग्जांपल यहाँ जो स्कूटी आ रही है आप लोग देख सकते, अब वो लेफ्ट साइड है इसका मतलब सेफ साइड है। अब एकदम राइट में आ गई तो गाड़ी हमारे को पास करके निकल जाती। आप लोग देख सकते हैं ये जजमेंट कुछ सेकंड में जज करना रहता। मैं आप लोगों को एक बीच में पट्टी लगा के क्लियर समझाता हूँ। तो मैं आपको एक यहाँ एक छोटा सा टेप का टुकड़ा लेके समझा रहा हूँ। देख सकते हैं आप मिरर के बीचों बीच इसको ऐसा टिक कर देना। तो मैं पट्टी लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ये जो लेफ्ट साइड है जो मेरा फिंगर पॉइंट कर रहा ये सेफ साइड है, और ये है ये डेंजर जोन है। आप लोग देख सकते हैं बाइक वाले लेफ्ट में आ रहे तो उन लोग बहुत दूर में है, जैसे उन लोग रेड में आ जाते तो उनकी गाड़ी पास हो जाती। देख सकते आप लोग अब यहाँ देख सकते आप लोग लेफ्ट साइड में जो आ रहे हैं वहाँ बहुत दूर में है, उनकी गाड़ी भी देख सकते हैं आप वहाँ बहुत दूर है और अभी भी उन लेफ्ट साइड में है। अब उन जैसा करीब में आते हैं तो रेड में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे को पास करके चले गए। तो इस डिस्टेंस जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जो रेड जोन में भी वाइड एंगल देखना है आपको तो आप लोग ऐसा कॉन्वेक्स मिरर लगा के आप लोग इसको और भी डिटेल में देख सकते हैं। इसमें रेड जोन में पूरा डिटेल दिखाता आपको, बहुत दूर का भी इसमें देख सकते आप। जब बारिश होती तो ये पूरा फेड आउट हो जाता मिरर बारिश की वजह से। तो इसमें ये कॉन्वेक्स में क्या है ड्रॉपलेट्स निकल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं मिरर। ये ज़्यादातर आप लोगों को हाईवेज पे काम आता लाइन चेंज करते वक्त और ओवरटेकिंग करते वक्त। आप लोग देख सकते हैं गाड़ी अब बीच में है, रेड जोन में आ जाती गाड़ी पास हो जाती। आई होप यू अंडरस्टैंड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। आप और एक गाड़ी भी देख सकते हैं, वो जो स्कूटी आ रही सेफ जोन में है और जैसे रेड जोन में आ गई तो क्रॉस करके निकल जाती। अब वहाँ जो कार आ रही है आप लोग देख सकते हैं वो सेफ जोन में है, अब जैसा वो रेड जोन में आ गई तो हमारे को पास करके निकल जाती। देख सकते हैं आप वो। तो मैं आपको यहाँ लाइव एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ हाईवे पे आके। तो ये हिसाब से आप लोग गाड़ी का अंदाज़ा लगा सकते हैं लाइन चेंज करते वक्त और यू टर्न लेते वक्त, और जब गाड़ी से उतर रहे तो भी तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सेफ में है या रेड जोन में है, डेंजर में है। दो लेफ्ट सेफ है राइट डेंजर है। अगर आप कभी उतर रहे गाड़ी से तो भी आप व्हीकल को चेक कर सकते,
अगर लेफ्ट साइड है तो आप लोग इजीली डोर में से निकल जा सकते हो उतर के। अगर रेड में है तो अगर डोर खोले तो ये कार डोर एक्सीडेंट्स होके बहुत बाइक एक्सीडेंट्स होते, मेजॉरिटी ऑफ बाइक एक्सीडेंट इसके वजह से होते, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप। बहुत हेल्पफुल वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक गाड़ी आ रही है अभी, महिंद्रा बोलेरो, देख सकते हैं जैसा रेड जोन कार क्रॉस करते जो हमारे को बाईपास करके निकल गई। या और एक कार देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप और भी कुछ व्हीकल्स आ रहे हैं जो सेफ जोन में हैं। अब वो जैसा करीब आते हैं तो रेड जोन में चले आते हैं, उसके बाद ओवरटेक करके निकल जाते हैं हमारे से। अब जो वहाँ कार आ रही देख सकते हैं, वो मारुति कार जैसा रेड जोन में से आउट हो गई तो हमारे को क्रॉस कर देती हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू आरके क्रिएशंस।